आयुर्वेद को अपनी दिनचर्या बनाना। मैंने कहा ना आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, जिनको प्रॉब्लम है गोमूत्र, जिन बच्चों का पेट खराब रहता रात को त्रिफला, सुबह उठ करके जिनको चेहरे पर 100 वर्ष तक ग्लो चाहिए ना, उनको वर्जिन क्वालिटी का नारियल तेल आता है, कोकोनट का वर्जिन ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो 2 चम्मच पी लो ना तो 100 साल तक आपकी मांसपेशियां, मसल्स, बोन्स और स्किन अच्छी रहती है। ये पूरा रिसर्च होने के बाद कह रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं आपको, छोटी छोटी चीजें। ये तो मैंने सुबह सुबह का बताया था आहार का, साथ साथ में विचार संस्कार और फिर व्यवहार। तो जैसे आहार विचार संस्कार होंगे वही हमारा बिहेवियर होगा। बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत आते हैं, आप भी बहुत फेस करते हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, अभी इसकी चर्चा कर लेता हूं। सुबह नाश्ते में क्या लेना? फिर सुबह नाश्ते में सबसे अच्छा होता है अंकुरित। एक जैसा नाश्ता कभी नहीं कराना अपनी फैमिली में, ये आपको तय करना है। हेल्दी फूड हैबिट्स हम डालेंगे अपनी फैमिली में तो हमारी फैमिली में ये आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी, आजकल पूरी दुनिया में जितनी दवाइयों की दुकान खुल रही हैं उतने ही ज़्यादा विटामिन्स की दुकानें खुल रही हैं। 100 लाख करोड़ का कारोबार होता है पूरी दुनिया में, कितना बोलिए जोर से, 100 लाख करोड़। विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, फिर कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, इसकी कमी, उसकी कमी, फिर क्या क्या खिलाते हैं, बोले जिसको प्रोटीन की कमी हो गई वो अंडे खाओ। अब अंडा जहाँ से पैदा होता है तुम देख लो तो मुँह में जाना तो दूर की बात रही, उल्टा हो जाए, उल्टी हो जाएगी। ये मुर्गी के वहाँ से निकलता है जहाँ से वो सोच करती है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये अंडा जो है ना मुर्गी की पोटी होता है, प्रोटीन नहीं, हम लोग उसको खाते रहते हैं। फिर आयरन के नाम पर, कैल्शियम के नाम पर, विटामिन्स के नाम पर क्या क्या खाते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा अब देखो मैं फूड वैल्यू के न्यूट्रिशन एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, ये बहुत कमी है अपने देश में, न्यूट्रिशन एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन बहुत कम है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है एक तो मशरूम के अंदर, तो आजकल मशरूम थोड़ा थोड़ा तो कभी कभी खाने लग गए लोग। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है पल्सेज के अंदर, दालों के अंदर। सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है दूध, दही, छाछ के अंदर, हेल्दी प्रोटीन। सबसे ज़्यादा हेल्दी प्रोटीन ओमेगा 3 और दूसरे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन डी, विटामिन बी12, ये सब अंकुरित के अंदर, अंकुरित मूंग, अंकुरित मेथी, जो हो सके अंकुरित चना, अंकुरित मूंगा फली, सिंगदाना, ग्राउंडनट, इतने अच्छे होते हैं, खाने में इतना टेस्टी लगता है। एक सप्ताह में एक दिन, सुनो अब मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ, फिर मैं लंच बताऊंगा, फिर डिनर बताऊंगा। ब्रेकफास्ट में क्या करना है, एक दिन कम से कम अंकुरित, और यदि आपको पूरा परिवार को हेल्दी एंड फिट रखना है तो थोड़ा सा अंकुरित जरूर रखा करो, कोई 1 चम्मच, कोई 2 चम्मच, कोई 1 कटोरी इसी को खाएगा रोज, थोड़ा थोड़ा खाने की आदत डालिए। किसी को अंकुरित खाने से शुरू शुरू में गैस बन जाता है तो उसको थोड़ा उबाल लीजिए, हल्का सा सेंधा नमक डाल दीजिए, क्या दिक्कत है, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। अंकुरित सप्ताह में एक दिन कम से कम, फिर सप्ताह में एक दिन दलिया खाओ, मल्टीग्रेन खिचड़ी हम लोग देते हैं, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल। मैंने इसके ऊपर 20-25 सालों से रिसर्च किया, अहमदाबाद में एक वैद्य ये मोटापा और शुगर कम करने के लिए दलिया देता था, बता के नहीं देता था, फिर जिस चक्की से वो पिसाता था मैं वहां तक पहुंचा और ये रेसिपी मैंने ढूंढी। वो खानदानी उसको उसके बापदादा ने बताया था, वो बता के नहीं देता था। 500 ग्राम गेहूँ, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम तिल, ये रेसिपी है जो हम लोग मल्टीग्रेन दलिया बनाते हैं, आप लोगों को भी देते हैं, पतंजलि पुष्टाहार दलिया, मल्टीग्रेन दलिया, ये घर में बना के एक दिन दलिया बनाओ। जब गर्मी इधर बहुत होती है तो जौ का दलिया भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं, पहले लोग बहुत खाते हैं राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा में, जौ का दलिया, जो की राबड़ी भी बनाते हैं, जो कि आटे की रोटी भी बनाते हैं, जो हेल्थ के लिए सबसे सात्विक और सबसे ज्यादा पुष्टिकारक होता है, जो का दलिया या मल्टीग्रेन दलिया। फिर अगली बात, सप्ताह में एक दिन कम से कम सबको लौकी का जूस पिला दीजिए, लौकी का ना पिए तो गाजर का पिला दीजिए, या कोई फ्रूट का जूस पिला दीजिए, ऑरेंज का जूस पिला दीजिए। ऑरेंज का जूस से एक तो एंटी एजिंग है, वो आयुष्य बढ़ता है, उससे स्किन बहुत अच्छी रहती है,
और उससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, मन बहुत खुश रहता है। कितने फायदे हैं उसके। अभी तो ऑरेंज का जूस तो मिलता ही नहीं, माल्टा का जूस मिलता है। पहली बार हम लोग 800 टन प्रतिदिन ऑरेंज का जूस लगाने का प्लांट अक्टूबर महीने में चालू कर देंगे और विदर्भ का एक पीस भी संतरा का खराब नहीं जाएगा। ये हम इस बार यहाँ मिहान में नागपुर में शुरू कर रहे हैं। तो सुनो, अलग अलग साग सब्जियां, अलग अलग अनाज ये खाया करो। घी 2 चम्मच दिन भर में, 2 चम्मच से ज्यादा चिकनाई नहीं। उससे ज्यादा खाओगे या तो लैट्रिन के रास्ते निकलेगा या फैट बन करके हाथों में, पैरों में, कुल्लों में, पेट में, कमर में जमा हो जाएगा। नहीं, 2 चम्मच से ज्यादा, 20 ग्राम से ज्यादा फैट नहीं लेना चाहिए। 250 ग्राम मिल्क जरूर लेना चाहिए। मिल्क लो, कार्ड, दही लो, मिल्क, कार्ड या छाछ, तक्र, मज्जिगे, जो भी है उसको लो। हाँ, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, भोजनांत विषमवारी। दोपहर सुबह दही, दोपहर को छाछ या दही थोड़ा सा ले लिया करो। रात को दूध 1 घंटे बाद खाने के। रात का खाना हल्का होना चाहिए। और जिनकी 50 साल की उम्र हो गई है उनको रात को ग्रेन्स अनाज बंद कर देने चाहिए। शाक सब्जी, दाल, दूध, फल ये खाना चाहिए। अच्छा, एक खास बात, सीक्वेंस क्या होना चाहिए जब खाना खाते हैं। सबसे पहले खाना चाहिए सलाद, उसके बाद में फ्रूट्स, उसके बाद में जो भी साग सब्जी आप बनाए हैं, रोटी, चपाती, राइस, जो भी खाना है, अंत में स्वीट लेना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हलवा ठोकते हैं, उसके बाद में फिर और बाकी बचा हुआ माल, फिर लास्ट में खीरा, करेला, टमाटर, पपीता ये खाते हैं। ये उल्टा पुल्टा हो जाता है सब। देखो, हमारा पेट ना ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ वहाँ ऐसे डाल दिया फिर घुमा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा पेट में ना 32 फीट लंबा आंत है, एक बड़ी आंत, एक छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ा बिग इंटेस्टाइन। वो 32 फीट लंबा आंत ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे। तो कोई भी आप चीज़ खाते हो तो वो ऐसे धीरे धीरे आगे वाली चीज़ पहले खिसकती है, पीछे वाली उसके ऊपर आती है। तो सबसे पहले यदि आप सलाद लेते हो, फ्रूट्स लेते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, वो पहले जाएगा, वो उसकी मात्रा पहले जाएगी। वो उससे फिर आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन नहीं होगा और आपकी आंतें अच्छी रहेंगी। ऊपर से फिर दो भी थोड़ा भारी खाते हो, वो भी हजम हो जाएगा। ये आपको मैंने थोड़ा फूड साइंस, न्यूट्रिशन साइंस बताया। सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाने के बारे में थोड़े सावधान बताइए, वृद्ध आहार के बारे में बताएं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात खान पान के बारे में, सबसे पहली बात, चबा चबा के खाना। 32 बार चबाना चाहिए, 32 times। कितनी बार चबाना चाहिए? 32 बार खाने को, ऐसे ऐसे। कुछ लोग मैंने देखा मैक्सिमम 4 से 8 बार लोग चबाते हैं, और कुछ तो ऐसे खाना खाते हैं उनके खाते खाते माथे पर पसीना आ जाता है और इतने बेहोश से हो जाते हैं, ऐसे खाते हैं जैसे चोरी का माल खा रहे हो अपने घर में बैठ के। जल्दी जल्दी खाएंगे, 5 मिनट मैंने देखा मैक्सिमम लोग 5 से 10 मिनट में अपना खाना पूरा कर देते हैं, 5 से 10 मिनट में। अरे थोड़ा धीरज से खाओ, सारा कमाते किसके लिए हो? माँ बहन बेटियां 2-4 घंटा लगा करके खाना पकाती हैं, ये पुरुष बेहुदे 5 मिनट में सारा गुड़ गोबर कर देते हैं। 4 घंटे लगा के उसने खाना पकाया, जरा 15-20 मिनट आराम से खा लो। और खाते खाते खूब बड़ाई किया करो अपनी पत्नियों की, अपनी माँ की, बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत मजा आ गया, टेस्ट आ गया, अरे इतना स्वाद बनाया। माने कई बार स्वाद ना भी बने तो भी बड़ाई करो। हम तो पूरे देश में घूमे, कई बार हमें माताएं बहने वो शक्कर की जगह हमको नमक पकड़ा देती हैं, वो भी खा के। किसी ने तो हमारी खीर में नमक डाल दिया तो भी खा लिया, क्या फर्क पड़ता है? हमने शास्त्र में पढ़ा, मेरे साथ बोलो अन्नम न निंद्यात, बोलो अन्नम न निंद्यात, अन्न की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्नम बहु कुर्वीता एतद् व्रतम, अन्नम अन्नम न निंद्यात एतद् व्रतम। सुनो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अन्नम ब्रह्म, अन्न भगवान का स्वरूप। ये अन्न के बारे में
चबा चबा करके खाने वाली बताए। तीन प्रकार की हमारी प्रकृति है, वात पित्त कफ। कैसी प्रकृति है बोलो? वात पित्त कफ। किसी किसी की शरीर में जोड़ों में दर्द बहुत होता है, उनको खट्टी और वायु कारक चीजें जैसे खीरा है, मटर है, पत्ता फूल गोभी है, ये वायु कारक है। खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, ये वायु कारक चीजें। दही खाओ, छाछ खाओगे ना तो जोड़ों का दर्द कभी खत्म नहीं होगा। उनको पनीर लेना चाहिए, जोड़ों का दर्द है तो उसको कैल्शियम भी चाहिए ना, प्रोटीन भी चाहिए। पनीर लेना चाहिए उनको, दूध पीना चाहिए, दही छाछ नहीं लेना चाहिए जोड़ों के दर्द। वात, खट्टी चीजें नहीं लेना चाहिए उनको कोई भी। हाँ, पित्त वालों को गर्म चीज नहीं लेना, मसाले ज्यादा नहीं खाना। और कफ वालों को चिकनी चीजें, घी तेल ज्यादा नहीं खाना। ये तीन चीजों की सावधानी रखना, वात पित्त कफ त्रिदोष। क्योंकि तीन तरह का हमारा आहार होता है, सात्विक राजसिक तामसिक तो होता ही है, वात कारक का, पित्त कारक, कफ कारक। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो त्रिदोष सामक होती हैं। अब अगली बात, मैं बोल रहा था घर अपने दिनचर्या में ही आयुर्वेद को अपना लो। जिनके घरों में ब्लड प्रेशर की बीमारी है, लौकी का जूस पियो, अनुलोम विलोम करो, बीपी क्योर हो जाएगा परिवार में, किसी को बीपी रहेगा ही नहीं। अनुलोम विलोम, दूधी भोपला का जूस, बीपी क्योर। जिनको थायराइड की बीमारी है उनको कपाल भाती, उज्जाई ऐसे भर के रोक के थोड़ी देर रखना, फिर दाई को बंद करके भाई से छोड़ना, 3 से 5 बार करना, थायराइड क्योर हो जाता है। कपाल भाती, उज्जाई, फिर एक ये सिंहासन होता है ऐसे, एक बार करके देखो, ऐसे करने से ना गले की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। फिर से करो एक बार, बोलो ऐसे, ये 2-3 बार कर लेना सुबह सुबह। और किसी दिन पति भी बहुत गुस्सा करे, नाराज हो ना, तो उसकी तरफ जीभ निकाल के करना, एक मिनट में ठीक हो जाएगा उसका दिमाग। तो सुनो, तो ये शेरनी बन के धरना, उसको लगेगा भूत नहीं आ गई घर में कोई। तो ये गले के लिए कपाल भाती उज्जाई, और ऐसे गर्दन को ऐसे घुमाना, और ये ऐसे ना अंगूठे के नीचे थायराइड का पॉइंट दबा लेते, 1-2 महीने के अंदर ही थायराइड क्योर हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं ना, ऐसे 2 मिनट जोर से ऐसे ताली बजा लिया करो, इसमें सारे पॉइंट दब जाते हैं। यहाँ थायराइड का पॉइंट है, यहाँ का, यहाँ बीच में फेफड़े का, यहाँ कान का, उसके नीचे हार्ट का, उसके नीचे शुगर का, फिर ये किडनी का, फिर आंतों का, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। इनको 2 मिनट ऐसे, और फिर कमर में दर्द हो तो यहाँ से थोड़ा दबा दो, यहाँ से ऐसे कमर दर्द एकदम अच्छा हो जाता है, यहाँ से बवासीर अच्छा हो जाता है, यहाँ दबाओ पूरा, जहाँ चूड़िया पैंटी माता है, पहने माहवारी का प्रॉब्लम नहीं होता, ये पूरा साइंस है। आप कान बिंधवाते हो, नाक बिंधवाते हो, पैर में पाजेब पहनते हो, हाथों में चूड़िया पहनते हो, ये सब विज्ञान सम्मत है। मैं कह रहा था 1-2 मिनट ऐसे कीर्तन कर लिया करो, और एक बार जोर से हंस लिया करो, हास्य योग इसको बोलते हैं। एक बार जरा हाथ उठा के हंस के दिखाओ जरा जोर से, ऐसे नहीं, जोर से हाथ उठाओ एक बार मस्ती से, फिर से हंसो हंसो जोर से हंसो, ऐसे एक बार ना ऐसे हंस लेना चाहिए, इससे दिमाग की, दिल की, शरीर की सब नस नाड़ियां हल्की हो जाती है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है, इससे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, डिप्रेशन नहीं होता है, अरे माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है। सुनो, मैं बोल रहा था लौकी का जूस पियो यदि बीपी है, खीरा करेला टमाटर का जूस पियो यदि शुगर है, खीरा करेला टमाटर का जूस, लौकी का जूस शुगर मोटापा, हाँ दोनों को ठीक करता है। और ये गिलोय, ये तो रामबाण है, मोटापा, डायबिटीज, अर्थराइटिस, इम्यूनिटी के लिए गिलोय अमृता, ये तो मुझे बहुत प्रचार करना, मैंने बोला है गढ़चिरौली में, इधर चंद्रपुर में, गांव में आप लोग गिलोय लगाओ, हम यहाँ के किसानों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा तो गिलोय के माध्यम से दे सकते हैं, और देश का 1,000,000,000,000 रुपए बीमारियों में खर्च हो रहा है उसको बचा सकते हैं, खाली गिलोय।
किलो घर घर में लगाओ, चारों तरफ पेड़ पौधों में एक एक लता चढ़ा दो, पूरा पेड़ पेड़ पर फैल जाता है। इतना जबरदस्त चीज है, इसके ऊपर तो मुझे पेटेंट लेना आगे। इससे तो वो डेंगू ठीक हो जाता है, चिकनगुनिया ठीक हो जाता है, स्वाइन फ्लू ठीक हो जाता है, इतना जबरदस्त है। सुना बहनों, किसी किसी में प्लेटलेट्स की कमी होती है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। किसी बहन को ना ऐसे कोई चुटकी मार देना ऐसे ऐसे तो नीला पड़ जाता है, किसी को काला पड़ जाता है। किसकी कमी से? प्लेटलेट की कमी से। किसकी कमी से बोलो? प्लेटलेट की कमी किससे ठीक होती है? इसके लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। गिलोय और एलोवेरा से प्लेटलेट एक सप्ताह में अच्छे हो जाते हैं। मैंने जिनके प्लेटलेट 5-10 हजार आ गए थे और मरने को हो गए थे, ऐसे हजारों लोगों को बचाया गिलोय पिला के, एलोवेरा पिला के। ये जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई डॉक्टर जयदीप जी हैं, दूसरे एक हमारे भाई राकेश जी, राकेश जी की छोटी बेटी को प्लेटलेट 5,000 आ गया, हिमालय इंस्टीट्यूट भर्ती हो गई, बुरी हालत, उसको ब्लीडिंग होने लग गया। बोल अब डॉक्टर बोला भी इसका आंख से पूरी बॉडी से ब्लीडिंग होगा और ये मर सकती है। मैंने उसको गिलोय पिलाया, वो बेटी 24 घंटे के अंदर उसका प्लेटलेट वो 50,000 से ज्यादा हो गया। बेटी अभी हट्टी घट्टी है, रोज गिलोय पीती। ये ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। ये जो हमारी मुख्य केंद्रीय प्रभारी है महिला पतंजलि योग समिति की डॉक्टर सुमन, उसको 30 साल से फीवर आता था साल में एक बार, बहुत भयंकर। उसने गिलोय पीना शुरू कर दिया, अब उसको पिछले 5 साल से फीवर आना ही बंद हो गया। वो जो 30 साल से फीवर आता था वो फीवर बंद हो गया। फिर उसको सर्दी बहुत लगती थी, सर्दियों में गिलोय पीना शुरू कर दिया। पहले वो 5-5 कपड़े भी पहनती थी तो उसको सर्दी लगती थी। ऊपर स्वेटर पहन रखा, ऊपर उसके नीचे फिर इनर पहन रखा, फिर क्या कोट पहन रखा, कंबल ओढ़ रखा, तब भी सर्दी लगती थी। गिलोय पीने से ज्यादा सर्दी नहीं लगती, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बार बार बीमार भी नहीं होती। बहुत अच्छी चीज है गिलोय। और सुनो ए माताओं बहनों, किसी किसी को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिलिपिन ट्यूब बंद होना और ओवम नहीं बनना, इनफर्टिलिटी, कितनी प्रॉब्लम है उसके लिए क्या नाम है इस प्राणायाम का बोलो, जोर से बोलो। जो महिलाएं कपालभाति करेंगी उनके कभी फिलिपियन ट्यूब बंद नहीं होगी, उनको ओवम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पुरुषों को स्पर्म की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी अच्छी हो जाएगी। मेरे सामने दो एग्जांपल आए आज से करीब 11 साल पहले, जब मैं अमेरिका जा रहा था, एक मोनिका नाम की एयर हॉस्टेस थी, उसने मेरे को बोला बाबा जी मुझे 6-6 महीने तो पीरियड नहीं होता था, पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम थी। मैंने एक दिन आपको टीवी पर देखा कि कपाल भाती से पॉलीसिस्टिक ओवरी भी अच्छा हो जाता है, मैंने करना शुरू किया आधा आधा घंटा, मेरा 6 महीने के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी ठीक हो गया, हर महीना मैं पीरियड से होती हूँ और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो दूसरी बार मिली तो बोले बाबा जी अब मेरी शादी भी हो गई और बच्चे भी हो गए कपाल भाती से, पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी अच्छा हो जाता है। हाँ माताओं बहनों को यूट्रस ओवरी में गांठ हो जाता है, सिस्ट, और पुरुषों को प्रोस्टेट होता है, तुम भी सुन लो, सेम टू यू इधर बैठे हैं, पुरुषों को प्रोस्टेट और माताओं बहनों को यूट्रस में फाइब्रोस ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। हजारों माँ बहन बेटियों का मैंने ये प्रयोग करवाया, उनका एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी का रिपोर्ट है, इससे विदिन 3 मंथ्स आधा घंटा पूरा, बहुत जबरदस्त।